Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about a message meant to reach you right now, message you are meant to hear right now. Is bare mein reading hai. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव थ्री पाइल्स. सो पाइल नंबर वन इज मिंट, पाइल नंबर टू इज फ्रूट, पाइल नंबर थ्री इज कप ऑफ टी. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. जिस कार्ड से भी आप एक कनेक्शन महसूस कर रहे हो, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. सो अभी आ रहे इसी का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, इन तीन कार्ड्स का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको, अपना कार्ड पिक कर सको. ऑलराइट, सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट. Hello, pile number one. So this is your reading. You chose mint here. It says abundance, persistence, proliferation. So let's get started with your reading. So hum main tarot se hi shuru karenge. A message meant to reach pile number one right now. A clear message the universe wants to give right now to pile number one. तो क्या clear message है जो universe pile number one को देना चाहते हैं? Pile one, clear message. You're meant to hear this. Okay, we have a lot of cards, and I feel all of them have some major message. So we have the Emperor in reverse. Okay, we have the Tower card. All right, we have the Queen of Coins. Okay, Five of Wands. Right, then we have Three of Cups and the Four of Swords. Okay. All right. So pile number one, the universe wants to tell you, the clear message here is ki pehli baat to you are not in control of the situation you are right now in. Emperor reverse mein to lack of control ko show kar raha hai, kahin na kahin jo aapki planning aapne kari hai, aap स्ट्रैटेजाइज करें फ्यूचर को लेके, समहाउ वैसा वैसा हो नहीं पा रहा है. सिचुएशन वैसा वैसा होने नहीं दे रही है जैसा आपने कहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, इस ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह से मैंने प्लान करा, इसी तरीके से होनी चाहिए, वैसा हो नहीं पा रहा है. एंड द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू दैट आई हैव अ डिफरेंट प्लान, सो प्लीज़ गो विद द फ्लो. द टावर हेयर शोज कि जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा नहीं होगा. जैसा आप सोच के बैठे हो ना कि लाइक मे बी पाइल नंबर वन आपका बहुत एक कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है कि ये चीज़, ये अच्छी चीज़ मेरे पास नहीं आएगी, या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिलेगी, या मे बी मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा होगा ही नहीं. कहीं ना कहीं थोड़ा पेसिमिस्टिक नेचर यहाँ पर शो हो रहा है. एंड यू फील लाइक दैट लैक ऑफ कंट्रोल कि यू आर अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ, यू आर अनएबल टू कंट्रोल एनीथिंग इन योर लाइफ. सो एक लैक ऑफ कंट्रोल है. एंड द यूनिवर्स सेज कि गो विद द फ्लो. ये क्लियर मैसेज है कि गो विद द फ्लो. आई सी फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है और फाइव ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. एक की मत दूसरे से ना मिल पाना, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो, जिसकी वजह से फाइट आर्ग्यूमेंट हो.
मे बी आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी फाइट आर्ग्यूमेंट कन्फ्लिक्ट से डील करो, या फिर एक इनर कन्फ्लिक्ट है कि क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या वो चीज़ करनी चाहिए. एंड गेस वॉट, आप एक डिसीजन पर आ पाओगे. एंड आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू मेक दैट डिसीजन. वो डिसीजन ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, मतलब वो ही चीज़ आपके पास आएगी जो आनी है. सो यहाँ पर आपका एज सच एक्शन नहीं नज़र आ रहा, आप इनफैक्ट गो विद द फ्लो करो, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ना हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक. हार्ट ब्रेक तब होता है या तो कोई रिलेशन टूट जाए, या जिस पर्सन को हम बहुत पसंद करते हैं, जिस पर्सन को हम बहुत चाहते हैं, वो हमसे बहुत बहुत दूर चला जाए, इमोशनली फिजिकली वट एवर द केस इज. एक इमोशनल हर्ट, जैसा सोचा था वैसा ना हो पाना, जिसकी वजह से दिल टूटा. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आते हैं. तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स उस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स वाले हार्ट ब्रेक से हीलिंग को शो करता है. तो समहाउ हीलिंग इज ऑन द कार्ड्स. बट पायल नंबर वन, आप अपने आप को हील भी नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली पास्ट के बारे में और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो. तो आप अपने आप को हील भी नहीं जल्दी से होने दे रहे, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक कर रहे हो, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो. आपने अपने कहीं ना कहीं माइंड को बहुत ओवरवर्क कर रखा है, बॉडी को बहुत ओवरवर्कड कर रखा है, और रेस्टलेस आप महसूस कर सकते हो. क्वीन ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कप्स इज़ अ आई वुड से रिलीफ कार्ड्स हेयर फॉर यू. द यूनिवर्स सेज़ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बट थ्री ऑफ कप शो सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर विच गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ. क्वीन ऑफ कॉइंस यहाँ शो करता है कि मनी वाइज एक इनकम का सोर्स आपको ज़रूर मिलेगा, जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी. बट यहाँ पर एम्परर कार्ड भी, टावर कार्ड भी शो कर रहा है कि कंट्रोल छोड़ो अपनी लाइफ से, गो विद द फ्लो करो, कंट्रोल मत करो सिचुएशंस को, या अभी प्लान और स्ट्रैटेजाइज मत करो. अगेन यू कैन रन द राहु महादशा और राहु अंतरदशा इन योर चार्ट पायल नंबर वन. इन द विमशोत्री स्कीम यू में रन राहु महादशा एंड राहु अंतरदशा. जब राहु महादशा या राहु अंतरदशा हम रन कर रहे होते हैं, तो एक पर्सन को कभी भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करना चाहिए कि भाई मैं एक साल में ये करूँगा, दो साल बाद मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे मेरी लाइफ एक दो सालों में होगी. ऐसे प्लान नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करना चाहिए. टेक वन डे एट अ टाइम इन योर लाइफ, यानी आज का मेरा ये प्लान है, आज का मेरा ये गोल है, तो मुझे ये कंप्लीट करना है. तो एक दिन का मैक्सिमम, एक दिन का प्लान रखो, एक दिन का गोल रखो, अगले दिन का भी मत रखो, बिकॉज वो आप अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा. जैसा आप प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो, वो वैसा नहीं चल पाएगा, स्पेशली इफ़ यू आर रनिंग द राहु महादशा, राहु अंतरदशा. सो वैसे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट पाइल नंबर वन, आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स, एक क्लियर कट मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स कि लॉन्ग टर्म प्लान मत करो, क्योंकि वैसा वैसा नहीं हो पाएगा, एंड दैट इट्सेल्फ विल गिव यू हार्ट ब्रेक. सो उस जो कंट्रोलिंग, आप जो कंट्रोल करते हो ना चीज़ों को, एक कंट्रोलिंग हैबिट जो है, वो कंट्रोल करने की चीज़ों को, लाइफ की सिचुएशन को कंट्रोल करने की जो हैबिट है, उसको कहीं ना कहीं लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड जब आप उस, अब ये कंट्रोल को लेट गो करोगे, तो आप देखोगे लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइफ इनफैक्ट बेटरमेंट की तरफ जाएगी, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, नए सोर्सेज ऑफ इनकम्स बनाएगी, और इनफैक्ट आप एट पीस महसूस करोगे, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिल पाओगे और उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, एंड यू विल फील गुड, यू विल फील हील्ड. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर डज शोस की हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हीलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स. ऐसा हो सकता है पाइल नंबर वन की यू आर स्लीपिंग अ लॉट दीज डेज, अब बहुत घंटे 10-12 घंटे सोते रहते हो दिन में, दिन में इन द सेंस कि 24 घंटे में 10-12 घंटे तो आप सोते ही सोते हो. सो इट कैन हैपन कि एक स्लीप आपको इस समय पर ज़्यादा चाहिए, तो अपने आप को रेस्ट दो. यू शुड नॉट फील लाइक ओ माय गॉश आई एम स्लीपिंग फॉर 10-12 आवर्स, ओ माय गॉश व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ, मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, कर पा रही, क्योंकि मैं सो ही इतना ज़्यादा रही हूँ या सो इतना ज़्यादा रहा हूँ. तो लाइक डू नॉट फील दिस वे, योर बॉडी नीड्स दिस रेस्ट, क्योंकि आपने अपने माइंड को बहुत यूज़ कर लिया है, बहुत ओवर थिंकिंग में आपने अपने माइंड को इन्वॉल्व कर लिया है, या फिजिकल एक्टिविटी में आपने अपने आप को बहुत इन्वॉल्व कर लिया है. कहीं ना कहीं फ़ोन हमेशा, जब भी आप जागे हो तो फ़ोन हमेशा आपके हाथ में रहता है, और आप फ़ोन पर कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ ना कुछ देखते रहते हो. योर माइंड इज़ वर्किंग टू मच, एंड दैट्स वाई योर बॉडी नीड्स रेस्ट.
वो एनर्जी माइंड ही सारा ले जाता है, बॉडी तक जाती नहीं. बॉडी में भी ऐसा पेन, बैक पेन, नेक पेन, या बेसिकली मसल जो है, मसल इंजरी होना, ये सब यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा है. सो यू नीड टू टेक अ चिल पिल पायरवान, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट सेंस ऑफ कंट्रोल. ऑलराइट, गो विद द फ्लो, गिव योर सेल्फ टाइम टू रिलैक्स. ऑलराइट, सो ये आपके लिए क्लियर कट मैसेज है. Something more from the Moonology deck. Your guidance, your message from the universe to pile one. Ya kuch future ke liye yahan par information. So we have a new moon in Virgo. It says a time to give rather than take. So pile one, again Virgo represents barren land. All right, Virgo एक ऐसा साइन है जहां पर कुछ ग्रो नहीं हो पाता. दैट्स वाई वर्गो इज अ तामसिक साइन, बिकॉज इट्स बैरन एंड इट शोज के वर्गो जो है कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इश्यूज, डिजीजेस, हॉस्पिटल्स, इसको रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई वर्गो इज अ तामसिक साइन. वर्गो जो है ट्रबलसम साइन है, इवन दो इट रिप्रेजेंट्स वर्जन, इट रिप्रेजेंट्स प्रॉब्लम सॉल्वर, इट रिप्रेजेंट्स बींग डिटेल ओरिएंटेड. एक वर्गो पर्सन इसलिए डिटेल ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्वर होता है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. दैट्स वाई हमेशा सॉल्व करता रहता है प्रॉब्लम, और दूसरे की भी सॉल्व कर पाता है क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अपनी हेल्प कर रहा है, तो दूसरे की भी कर पाता है. सो हेयर इन द न्यू मून इन वर्गो डैश शोज दैट येस, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इशू, कन्फ्लिक्ट, competitive exams or some health issue, and you need to relax, you need to give time to yourself. All right, it's the time to give rather than take. It's time that you give yourself some relief, some rest. Ye major guidance hai aapke liye, ye bahut important information hai aapke liye pile one. Don't be so hard on yourself. All right, then we have North Node. It says step out of your comfort zone. So ye future ke liye guidance hai that you need to step out of your comfort zone. Abhi you need to relax, abhi you need to take a chill pill. I do see ki aapne with this card as well, I feel that aapne apne comfort zone se bahar jaakar kai sari cheeze kari hai, and now it's a time to रिलैक्स. ऑल राइट, ये एक और इन्फॉर्मेशन है. फ्यूचर में अगेन यू कैन ऑफकोर्स गो आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, बट आई डू सी कि प्रेजेंट में, इन फैक्ट इन द पास्ट फ्यू वीक्स, आपने अपने कम्फर्ट जोन से स्टेप आउट ज़रूर करा है. आपने अपने आप को और बेटर करने की कोशिश ज़रूर करी है, अपने ऊपर वर्क करा है, अपने करियर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर वर्क करा है. आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी नेचर के अगेंस्ट जाकर, अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाकर कई चीज़ें करी है. बट इट्स द टाइम टू कम बैक, इट्स द टाइम टू रिलैक्स. एंड यू देन वी हैव स्लो इट डाउन, वी हैव मून स्टोन. सो येस, इट्स अ टाइम टू स्लो डाउन, इट्स अ टाइम टू रिलैक्स, इट्स द टाइम दैट यू नीड टू कीप योर रूटीन अ बिट स्लो. थोड़ा सा स्लो रूटीन, थोड़ा सा स्लो लाइफ, थोड़ा स्लो लिविंग पर फोकस करने की ज़रूरत है. एंड वी हैव फॉलिंग मून, रिलीज ब्लॉक्स. जैसे ये टावर कार्ड था, टावर कार्ड ना स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, और ये रिलीज ब्लॉक्स भी जो है ना स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है. जो स्कॉर्पियो साइन है वो मार्स और केतु दोनों रूल करते हैं, तो केतु रिप्रेजेंट्स दोस अननेसेसरी ब्लॉकेजेस, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स. एंड अगेन यू कैन राइट नाउ रन द केतु अंतरदशा और केतु महादशा और राहु महादशा, राहु अंतरदशा. ऑल राइट, और यू कैन रन इन द यू नो इन द चरादशा स्कीम, यू कैन रन द स्कॉर्पियो महादशा और स्कॉर्पियो अंतरदशा. तो इट्स अ टाइम जहाँ पर आपको ब्लॉकेजेस, हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा. बट आई डू सी विद द रिलीज ब्लॉक्स की अब जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज होने लगेंगे. यूनिवर्स का यही मैसेज है कि गो विद द फ्लो एंड यू विल नोटिस कि जो भी वो ब्लॉकेजेस थे दे आर नाउ बीइंग रिलीज्ड, और वो ब्लॉकेजेस अब आपकी लाइफ में नहीं है और आपका लाइफ फॉरवर्ड मूव कर पा रहा है. Then we have resolving conflict. So it says empathy, compassion, understanding, love. So agar aapka kisi se jaise ladai jhagda tha, yahan par we have the card of five of wands. To five of wands conflicts ko represent karta hai. To jinke sath aapka ladai jhagda chal raha tha,
उनके साथ वो फाइट आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व हो जाएगी, वो कन्फ्लिक्ट ज़रूर रिजॉल्व हो जाएगा. जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड गिव सम टाइम टू द अदर पर्सन टू एक्सेप्ट, टू यू नो सी द सिचुएशन प्रॉपरली, टू एनालाइज द सिचुएशन प्रॉपरली. उस सामने वाले पर्सन को टाइम दो टू एनालाइज द सिचुएशन प्रॉपरली, एंड आपको अपने आप को समय देना चाहिए, अपने आप को बेटर फील कराने पर आपका फोकस होना चाहिए. एंड यू विल नोटिस कि वो सारे जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व होने लगेंगे, आपको अपने लिए राइट गाइडेंस मिलने लगेगी, आपको एक रास्ता दिखेगा और आप उस रास्ते पर वॉक कर पाओगे. और आपके वो जो फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स दूसरों के साथ चल रहे थे, विद टाइम वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. सो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी जो है यूनिवर्स आपको कहना चाहता है. सो दीज आर द क्लियर मैसेजेस फॉर यू, पाइल नंबर वन. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. अगर हम देखें तो आई सी द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो, ऑल राइट, एंड इवन आई विल से पाइसिस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है ये आपके चार्ट में. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु पुष्याश्लेषा, फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखानुराधा ज्येष्ठा, पाइसीज में पूर्वा भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कर्क, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज इज द आत्मा कर्क विच रिप्रेजेंट्स यू, या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर इन साइंस इन नक्षत्रस में प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. सो यस, दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू Astro reading and Nakshatra Kundi reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, the amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile one, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number two. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to this fruit card. It says achievement, success. So let's get started with your reading. So hum main tarot se hi shuru karenge. Clear message. Pile number two is meant to hear. What's that clear message? Message from the universe, which pile number two is meant to hear right now. This message is meant to reach pile number two right now. Pile number two. We have the Emperor. My goodness. We all are somehow connected to each other. Pile number one mein bhi jo hai Emperor card aaya tha, but this was the Emperor card which came in pile one, but ye reverse mein tha. So, but ye bilkul upright position mein hai. But we have the Emperor only. Then we have the Four of Cups. All right. Temperance, King of Swords, end of the deck me, the Chariot. Okay. So, the clear message for you, pile number two, I see ke you guys are, I feel that you guys are unable to see the beauty of life. Maybe kahin na kahin aapka zyadatar dhyan un cheezon par hai jo aapko shayad mili nahi hai, jiski
तर जो आप अचीव करना चाहते हो, बहुत एक गोल ओरिएंटेड और थोड़े ओवर एम्बिशियस किस्म के पर्सन हो या काफ़ी एक एम्बिशियस पर्सन हो, आपकी बहुत सारी होप्स विशेस डिज़ायर्स है चाहते, स्पेशली करियर को लेकर, मनी को लेकर, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, ये आपके अंदर इच्छाएं बहुत सारी है। एंड यू आर समवन जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है दैट यू आर अ लेजी पर्सन, ऐसा नहीं है, बट इट ऑल्सो शोज लाइक विद द फोर ऑफ कप्स, जो लाइफ आपको देती है आप उससे खुश कभी ज़्यादा नहीं होते हो। यू आर लाइक कि मुझे ये तो मिल गया पर मेरे को वो भी चाहिए था, आई गॉट दिस बट मुझे वो वाला पीस ऑफ क्लोदिंग भी चाहिए था। जैसे ये बचपन से आपके अंदर हो सकता है पाइल नंबर टू ये हैबिट, या ये कहीं ना कहीं अभी डेवलप हुआ है कि जस्ट यू नो फॉर एग्जांपल आपको, आप शॉपिंग पे गए थे, आपने दो टी शर्ट्स ली, आपको एक तीसरी टी शर्ट भी पसंद थी बट आपने वो समहाउ नहीं ली बिकॉज वो एक्सपेंसिव थी, ओवरली प्राइस्ड थी, लाइक ओके लेट मी जस्ट बाय दीज टू। अब आप आ गए घर पर, दो दिन बीत गए आपकी शॉपिंग वाली बात को, बट उसके बाद भी आप उस टी शर्ट के बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं मिली, पर जो आपको मिल चुकी दो टी शर्ट आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, पर जो नहीं मिली उसको लेकर आप परेशान हो, उसको लेकर आपके मन में सोच विचार चल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि काश मैंने ले ही ली होती तो मेरे ये ऐसे वेस्ट थॉट्स तो ना चलते। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर टू, यू गाइज आर द पीपल हु वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स इन लाइफ एंड डू नॉट वॉन्ट टू सेटल फॉर लेस। यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेज ये आ रहा है कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम करो। इच्छाएं वो घोड़ा है जो किसी के काबू में नहीं आता और उसको काबू नहीं किया जा सकता। जितनी इच्छाएं बड़ी है और हम उसको कंप्लीट करते हैं उतनी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि जो आपको मिल रहा है आप उसके अंदर सेटिस्फाई होने की कोशिश करो, अपने मन को समझाओ। द फोर ऑफ कप्स हेयर शोज कि आपको यूनिवर्स कोई बहुत अच्छी चीज़ दे रही है बट आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हो, उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। द टेम्परेंस हेयर इज शोइंग कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आओ। द एम्परर एंड द टेम्परेंस दोनों मेजर आर्काना कार्ड्स हैं और दोनों एक सेंस ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस, एक सेंस ऑफ बैलेंस, और एम्परर रिप्रेजेंट करता है प्लान करना, स्ट्रेटजाइज करना, समय को ध्यान में रखते हुए अपना काम कंप्लीट करना। और टेम्परेंस शो करता है कि यू नो अपना बैलेंस होना चाहिए कि इस समय पर सोना है, इस समय पर उठना है, रेस्ट का भी टाइम हो, प्ले का भी टाइम हो, वर्क का भी टाइम हो, खाने पीने का भी टाइम हो, हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, तब लाइफ अच्छी रहती है। चैरिट हेयर शोज विक्ट्री बट अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आप बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो पाइल नंबर टू, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो पाइल नंबर टू, बट यू नीड टू बिलीव इन मिरेकल्स एज वेल, यू नीड टू रियली बिलीव इन द थिंग्स विच कैन हैपन अनएक्सपेक्टेडली। ऑल राइट, तो बिलीव इन मिरेकल्स, डोंट बी सो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल और एक क्रिएटिव इमोशनल साइड का बैलेंस रखने का स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यूनिवर्स से, और जो यूनिवर्स या जो लाइफ आपको देते हो यू शुड टेक इट। If life gives you lemon, make a lemonade. So, ये चीज़ करने की बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। जब आप लाइफ जो चीज़ आपको देती है उसको बहुत अच्छे से करते हो तो यू विल नोटिस दैट यू विल स्टार्ट टू गेट, यू विल बिकम विक्टोरियस इन लाइफ, यू स्टार्ट टू गेट विक्ट्रीज इन लाइफ। तो जो भी लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है, छोटी या बड़ी, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल रही है उसको ज़रूर लो, और हंस के लो, परेशान होकर मत लो, दुखी होकर मत लो, खुश होकर उस अपॉर्चुनिटी को लो। जो भी आपके लिए सिचुएशन आ रही है, जो भी लाइफ आपको चीज़ दे रही है, अगर लाइफ आपको डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स दे रही है, अगर लाइफ आपको ऐसे लोगों से मिलवा रही है जो आपको टॉन्ट करते हैं बार बार बात बात में, तो उसको भी कहते हैं किल वो कौन सा गाना सेलेना गोमेज का, किल विद काइंडनेस समथिंग ऐसा करके, यानी मुस्कुरा के उसको जवाब दो सामने वाले को, पर आपने अपना खून नहीं जलाना है, आपने उस सामने वाली की बात चित्त पर नहीं बिठानी है। आई फील पाइल वन कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, पाइल टू आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो और अपने चित्त पर ले लेते हो, और दूसरा शायद आपकी बातों को या सिचुएशंस को इतना दिल पे नहीं लेता, मन पे नहीं लेता, और वो ऐसी हवा में कई बात कह देते हैं जो आपको टच कर जाती है, जो आपके चित्त पर बैठ जाती है, जिससे आपका खून जलता है, जिससे आपको गुस्सा आता है।
उस सामने वाले को तो चिढ़ा के आपको मज़ा आ रहा है और आपको बहुत बुरा लग रहा है। तो गाइडेंस ये है पाइल नंबर टू कि आपको ऐसे चिढ़ना नहीं है, आपको ऐसे परेशान नहीं होना है, आपको चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है, आपको लाइफ को सीरियसली इतना नहीं लेना है, दूसरों की बातों को चित्त पर नहीं बिठाना है, मन पर नहीं बिठाना है। आप ये चीज़ रियलाइज़ करो पाइल नंबर टू कि आप एक आत्मा हो और इस शरीर में बैठ कर अपना पार्ट प्ले कर रहे हो, इस धरती की स्टेज पर ये पार्ट प्ले कर रहे हो। कुछ साल बाद आपको ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा और नया पार्ट आपको मिलेगा। ऐसे मैं अभी अक्षता का पार्ट प्ले कर रही हूँ, अक्षता का पार्ट है अभी की रीडिंग करनी है तो वो रीडिंग कर रही है, मैं आत्मा इस शरीर के थ्रू करवा रही हूँ रीडिंग। मैं करने वाली नहीं हूँ पर मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तो मुझे कोई लेजीनेस नहीं आ सकती क्योंकि मैं करा रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ। अब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद मुझ आत्मा को ये अक्षता का शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा ये शरीर बदलती है। तो अभी का पार्ट हमने जो है अपना करेक्ट प्ले करना है। हम दूसरे का पार्ट नहीं बदल सकते, ना दूसरा हमारा मानेगा कि तुम, अगर हम किसी को ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, शायद वो हमारी माने ही ना बात, क्योंकि उसका पार्ट ऐसा, उसका स्क्रिप्ट ऐसा लिखा है तो स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग चल रहा है। आपने अपना पार्ट करेक्ट प्ले करना है और रियलाइज़ ये हमेशा आपको रहना चाहिए कि ये पार्ट चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है, मैं ये पार्ट प्ले कर रही हूँ इस पर्सन का, ये जो जिस शरीर में हो, शरीर का नाम फलाना फलाना, या जैसे मेरे शरीर का नाम अक्षता है, तो मैं अक्षता का अभी पार्ट प्ले कर रही हूँ, करवा रही हूँ इस बॉडी के थ्रू। तो मेरा रियलिटी ये नहीं है कि ये मेरा शरीर और मेरे रिलेशन, इस शरीर के साथ ही रिलेशंस है, पर मुझ आत्मा का एज सच दूसरी आत्माओं के साथ भाई भाई का रिलेशन है। शरीर में आके भाई बहन माता पिता ये सब हो जाते हैं, पर मेरा रियलिटी क्या है। तो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, आप चीज़ों को अपने मन पर बिठा लेते हो। आपका फोकस ये होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग मेजर मैसेज है, क्लियर मैसेज जो यूनिवर्स से आ रहा है, क्लियर मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। बैलेंस इन द सेंस वर्क लाइफ प्ले बैलेंस लेकर आओ, यानी हर चीज़ के लिए आपके पास समय हो। ये मत कहो कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है खेलने कूदने के लिए, मेरे पास तो समय ही नहीं है लूडो खेलने के लिए, मेरे पास तो समय ही नहीं है सोने के लिए। ये समय की जो शिकायत है इसको दूर करो, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे यहाँ पर है और चैरियट कार्ड यहाँ पर, आपको जो लाइफ दे रही है, अगेन फोर ऑफ कप्स भी, जो लाइफ दे रही है, डू नॉट बी सो पिकी अबाउट इट। जो लाइफ दे रही है उसको मुस्कुराकर एक्सेप्ट करो, एंड जैसे ही वो आप एक्सेप्ट करते हो और उसके लिए आप सीरियसली वर्क करना शुरू करते हो, तो आप देखोगे दैट यू विल स्टार्ट टू गेट विक्ट्रीज इन लाइफ। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेकर परेशान मत हो। जो चीज़ ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट करो, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये मेजर गाइडेंस है। यू आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड अम्बिशियस पर्सन पाइल नंबर टू, बट कई बार जिंदगी जो है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। समथिंग बेटर इज़ फॉर यू पाइल नंबर टू, सो एक्सेप्ट योर रियलिटी, डू नॉट क्राई अबाउट द थिंग्स विच यू डोंट हैव। देन वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन म्यूटेबल मून। सो पाइल नंबर टू, अगर आप ये सोचते हो ना कि ऐसा ही होने वाला है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, द यूनिवर्स इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो आपके प्रेजेंट पर आपका फ्यूचर बेस्ड है। आप अपना फ्यूचर अपने प्रेजेंट के कर्मों से बदल भी सकते हो। तो नथिंग इज सेट इन स्टोन, ऑल राइट, अभी कुछ परमानेंट चीज़ नहीं है। आप अभी अपने प्रेजेंट के एफर्ट से अपना फ्यूचर को बेटर कर सकते हो, तो अपने प्रेजेंट के कर्मों पर ध्यान दो। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आप अपने एक्ट पर ध्यान दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, तो आप देखोगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर सच में फिर बहुत अच्छा है। प्रेजेंट को देखो, आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करो। देन वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स। सो जिस भी चीज़ के बारे में आप कन्फ्लिक्टेड महसूस करते हो, जिस भी चीज़ के बारे में आप कन्फ्यूज्ड महसूस करते हो, उसके बारे में कंक्लूजन, उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। किसी चीज़ का रिजल्ट भी आने वाला है, ये भी शो कर रहे हैं कार्ड। अगर आपने कोई एग्जाम दिया था, कोई इंटरव्यू दिया था, तो फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है विद इन अ वीक, विद इन सेवन
10 days, ये भी इंडिकेशन है. एंड बिकॉज फ्रूट का कार्ड आपने अपने लिए पिक करा है, ये अचीवमेंट एंड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है. तो जो रिजल्ट होगा वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, वो आपको कुछ अच्छी चीज़ फ्यूचर में ज़रूर देगा. तो कुछ सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी विद इन 7 days. जिस चीज़ के बारे में आपने एफर्ट करो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा जो आपको फ्यूचर में बहुत सक्सेस देगा और इनफैक्ट प्रेजेंट में भी आपको अच्छा महसूस कराएगा. समथिंग मोर फ्रॉम अनदर मूनोलॉजी डेक फॉर पाइल नंबर 2. क्या और क्लियर मैसेज है, मैसेजेस है फ्यूचर के लिए? सो वी हैव ट्रूथ मून राइजिंग. सो लिटरली कैंसर राइजिंग आपके चार्ट में हो सकते हैं, यानी असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर की राशि बैठी हो, कैंसर साइन हो, या आपका जो सन मून राइजिंग है आत्मा कारक है, प्लानट नियरेस्ट टू द 30 degrees, प्लानट होल्डिंग द हाइस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द साइन ऑफ कैंसर और कैन बी इवन इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये इंडिकेशन है मून राइजिंग ट्रूथ का. ये गाइडेंस है आपके लिए कि बी ट्रूथफुल, स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. आपने झूठ नहीं बोलना है, आपने सच पर चलना है. ऑलराइट, जितना आप सच्ची बात करते हो, जितना आप सच्चाई पर चलते हो, उतना बेटर रिजल्ट, उतना अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा. सच्चाई एक गुण है, तो गुण जहाँ पर है वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है पॉजिटिव. सो अपना ही सच्चाई का गुण खोना नहीं है. Then we have releasing moon set. So card ये release का ये भी show कर रहा है कि do not hold grudges against people, let go of things. All right, चीज़ों को अपने चित्त पर मत बिठाओ, लोगों की बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो, release करो उनकी बातें, उनको forgive, forget करो, move on, अपने आप आपका हो जाएगा. So दूसरों की बातों को मन पर मत बिठाओ, ये भी clear message है. I also feel that your moon can be conjunct Ketu, या फिर आपका moon ascendant में placed हो, या फिर आपका moon sign of Scorpio या 8th house में placed हो, इसका भी indication, ऐसा placement भी आपके birth chart में या D12, D9 नवांश chart में होगा. Then we have the emotional freedom. तो emotions की यहाँ पर बहुत बात हो रही है. तो you are someone, pile number 2, जो बहुत इमोशनल भी होगा, एम्बिशियस भी है, बट इमोशनल भी इन द सेंस कि बातों का बुरा लग जाता है, चुप जाती है बातें, परेशान हो जाते हो, अपने आप को इमोशनली तंग कर लेते हो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से. दैट्स व्हाई योर मून कैन बी डेबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो और कैन बी प्लेस्ड इन द 8th हाउस और कैन बी प्लेस्ड विद केतु. सो ये भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देता है. ये जो मैंने सारी प्लैनेटरी प्लेसमेंट बताई, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देता है. केतु राहु 4th एंड एक्सेस में होंगे, इसका भी इंडिकेशन है, यानी केतु 4th हाउस में और राहु 10th हाउस में, या फिर राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में हो, या राहु केतु 1-7 एक्सेस में, यानी केतु 7th हाउस में, राहु 1st हाउस में, या फिर केतु 1st हाउस में, राहु 7th हाउस में, ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा, इसका भी इंडिकेशन यहाँ पर है. एंड द गाइडेंस और आई शुड से इमोशनल फ्रीडम ये भी शो कर रहा है कि आपकी खुशी जो है वो दूसरों पर अब निर्भर नहीं होगी. और ये भी क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी खुशी होनी भी नहीं चाहिए दूसरे पर निर्भर, कि भाई दूसरे को अपना इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपने नहीं देना है कि दूसरा बटन दबाए रोने का और आप रोने लग जाओ, परेशान हो जाओ. नहीं, आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, दूसरे के ऊपर अपने इमोशंस को नहीं निर्भर करना. भाई दूसरे ने बुरा भला कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. दूसरे का सोच विचार, स्वभाव या उसके बोल आप पर हावी नहीं होने चाहिए, और जब वो हावी नहीं होता है तो उसको इमोशनल फ्रीडम कहते हैं. तो ऐसा आपने करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, दूसरे की बातों को सीरियसली नहीं लेना है, ये सोचना है कि उसका ये पार्ट है, उसका ये स्क्रिप्ट है जो वो प्ले आउट कर रहा है. जैसे एक वही फिल्म चलती है तो फिल्म में हर एक्टर अपना बेस्ट पार्ट प्ले करता है, जो उसके सामने स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को वो याद करेगा, उसको उस अपने कैरेक्टर को वो अंडरस्टैंड करेगा. चाहे अगर वो विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, विलन का स्क्रिप्ट उसको उस पर्सन को मिला है, तो वो उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा. अब अगर मेन हीरो हीरोइन आकर कहे उस विलन को भाई तुम गलत काम करना बंद कर दो, तो क्या विलन वो मानेगा वो बात? उसका स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं, उसके स्क्रिप्ट में लिखा है कि गलत काम करने हैं तो कर रहा है.
आपके वो हीरो हीरोइन के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना. तो आपने भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी कि दूसरा वो गलत तरीके से व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका स्क्रिप्ट ऐसा है, पर मेरा स्क्रिप्ट तो प्रोटैगनिस्ट वाला है, मेरा स्क्रिप्ट तो हीरो हीरोइन वाला है, तो मेरा तो नेचर अच्छा ही होना चाहिए, मेरा एक्शन तो अच्छा ही होना चाहिए और ना मेरा इमोशन जो है उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए. वो अगर सामने वाला अगर अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूँ. तो ये थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए. ये क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाए नंबर टू. ऑलराइट, सो अगेन एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ इवन कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. इवन जेमिनी भी, तो जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में. फिर वी हैव पुष्या अश्लेषा. स्कॉर्पियो में विशाखानुराधा ज्येष्ठा. और केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में. सतविशाखन पूर्वा भद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स जरूर प्लेस होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑल राइट, सो डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम अ वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज ब्रेसलेट्स, दीज आर हैंडमेड क्लेंस एनर्जाइज्ड बाई मी. यू कैन गेट दीज ब्रेसलेट्स ऑन द वेबसाइट सेल्फ. राइट नाउ वेयरिंग citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards this card, cup of tea. It says patience, reassessment. So let's get started. So hum main tarot se hi shuru karenge. A message meant to reach you right now. A clear message, pile number 3, is meant to hear right now. Okay, we have 8 of Wheels, which is 8 of Pentacles. Death card. Okay. Three of Wheels, which is again 3 of Pentacles. End of the deck, 3 of Wands. Okay. So, the message from the universe, a clear message for you is pile 3. Dheeraj dhar manva, dheeraj dhar tere sukh ke din aaye ki aaye. So, I see you working extremely hard towards your goal, which is related to career. You are someone, pile 3, जो बहुत सारा money earn करना चाहते हैं. And I see जैसे जो first card होता है, वो जो भी first card आता है tarot में, वो हमारी current energies, recent past को represent करता है. तो 8 of wheels, I do see that you are working very hard towards something. Especially that something is related to career. बहुत work hard कर रहे हो, बहुत detail oriented हो, perfectionist की तरह काम कर रहे हो, बारीकियों को देख रहे हो, अपने आप की skill set को अच्छा कर रहे हो. Many of you are doing masters or PhD, MBA,
All right, many of you are mastering some skill, and you guys are the people who self-sabotage as well. मतलब आप अपने worst critic भी बन जाते हो. आपको लगता है कि और perfect होगा ना, तब मैं दुनिया को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तब मैं ये इसका exhibition लगाऊंगा या लगाऊंगी. मतलब you know too much into this perfection thing. All right, so do not be such a perfectionist. मतलब perfection एक अच्छी चीज़ है definitely, but अगर वो at your cost of peace of mind आए तो शायद इतनी अच्छी चीज़ नहीं है. तो आप ज़रा इस चीज़ पर फोकस करो पाइल थ्री, कि आपका काम जो है वो ईजी से ईजी कैसा हो सकता है. मतलब आपका ज़्यादा एफर्ट ना लगे, ईजीली आप काम कैसे कर सकते हो और उसका अच्छा आपको गेन कैसे मिल सकता है, इस पर ध्यान रखो. और समय पर अपनी चीज़ सबमिट करो, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी है. बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होकर अपना टाइम वेस्ट करके और समय जब पूरा हो जाता है उसके बाद आप वो चीज़ सबमिट करो तो उसका उतना रिजल्ट आपको शायद ना मिले. तो डोंट बी सच ए परफेक्शनिस्ट. All right, don't be a worst critic. Five of Wheels show करता है poverty को, health issues को, अकेलेपन को, isolation, अकेलापन, loneliness, not being alone, but loneliness को show करता है. Five of Wheels show करता है poverty, dealing with bad financial health. And जैसे cup of tea यहाँ पर आपने card pick करा है, and this is not your doodh wali chai. This is the green tea which is said to be very good for health. All right, तो जब health अच्छा नहीं होता तो कुछ healthy खाना चाहिए ताकि body को nourishment मिले या उसकी healing हो. So I feel pile number three, for a long time now you are dealing with some health issues or some major health issue. Or lot of multiple health issues, multiple health concerns. And I see you need to add some, or you need to take care of your lifestyle. Sirf medicine se kuch nahi hoga, but thoda aapko apna lifestyle badalne ki zarurat hai. Aur thoda apne saath dheeraj, yani patience rakhne ki zarurat hai. Aur apne aapko ye zarur kaho ki har samay ek jaisa nahi rehta. Samay badalta hai, achha samay aur bura samay, ye dono aata hai. Jab achha samay nikal gaya to bura bhi nikal jata hai. To apne aapko reassure karo, apne aapko ye baar baar kaho ki main theek hu, मैं अच्छा कर रही हूँ लाइफ में, मेरा बॉडी बहुत फिट और फाइन है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है. ये समय बीतने वाला है और एक बहुत 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 अच्छा, इससे भी एक अच्छा समय आने वाला है. मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा. ये बातें अपने आप को रोज़ कहो, अपने मन को समझाओ. आपका मन बहुत जो है पेशेंस से नहीं चल रहा है पाइल नंबर थ्री. आपका मन बहुत ज़्यादा ये चाहता है कि बस ये समय जैसे तैसे निकले, और मन कहीं ना कहीं रो रहा है. तो इस रोते हुए मन को ये ज़रूर कहना है कि ये मन चुप हो जा, धीरज धर, अभी सुख के दिन आए कि आए. पेशेंस जो है एक वर्च्यू है, इसको अपनी लाइफ में ऐड ज़रूर करो. थ्री ऑफ व्हील्स है, डेथ कार्ड है. आई सी के आपका जो एक ओल्ड सेल्फ है करियर को लेकर, स्किल सेट को लेकर, वो रिवाइव हो रहा है, या वो उसका रिजुविनेशन हो रहा है. जैसा जो आपका स्किल सेट था पहले, आज से 5 साल पहले, उससे तो बहुत बेटर अब आप अपने स्किल में हो, अपने प्रोफेशन में हो. आपका जो स्किल सेट है वो और इम्प्रूव हुआ है. डेथ कार्ड ये शो कर रहा है कि अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपका स्किल. पहले अब तो पता नहीं वो आता है कि नहीं, बट पहले पॉकीमोन का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ था, तो उसके अंदर जैसे हर एक पॉकीमोन के स्टेजेस होते हैं. जैसे पिकाचू जो उसमें था एश का, तो वो भी कहते थे विकसित रूप पिकाचू का, या हर एक उस इस जैसे पिकाचू जैसे और भी जो क्रिएचर्स थे उनका विकसित रूप, उनका एक बेटर रूप, वो यहाँ पर ऐसी कि आपके स्किल सेट का हो रहा है. सो द यूनिवर्स यूनिवर्सल मैसेज इज पाइल नंबर थ्री कि आप सडनली देखोगे इम्प्रूवमेंट, एक विकसित रूप अपने स्किल सेट का. आई डू सी यू वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, द यूनिवर्स इज सीइंग यू वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड. एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स हेयर समहाउ शोज की
जो आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, वैसी वैसी चीज़ें होंगी. इनफैक्ट जैसे थ्री ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जीत के कहीं से है, जो सच का सूरज है वो कभी छिप नहीं सकता. उसी तरह आप वो सूरज हो जो अपनी पीक पर जा रहे हैं, ओवर द हेड होने वाले हैं. जैसे आफ्टरनून टाइम में सन जो है सबसे ओवर द हेड होता है, सबसे ज़्यादा उसकी रेज जो है हम तक पहुँचती है, यूवी काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर होता है, सबसे पावरफुल सन नून टाइम में होता है. सो वो आप हो. जैसे सन नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर है, प्लैनेट एक तरह से आपको सिग्निफाई करता है सन इन आर वैदिक एस्ट्रोलॉजी. चरा आत्माकार का कोई भी हो पर नेचुरल आत्माकार का सन होता है, तो आपका एक वो पीक टाइम आ रहा है पायल नंबर थ्री. ये क्लियर मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स. और वो पीक टाइम में आप देखोगे कि जो आपने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, वैसा आप कर पा रहे हो अपने करियर में. ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं, ये डेथ कार्ड शो कर रहे हैं, एक ओल्ड सेल्फ का डेथ और एक नए सेल्फ का ग्रोथ हो रहा है. जैसे यहाँ पर वी सी अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द स्कल ऑफ सम एनिमल. सो आपका एक नया वर्जन, एक नया बॉडी, एक नया स्किल सेट है. बॉडी वाइज अगेन हेल्थ इश्यूज से भी आप डील करते हुए नजर आ रहे हो, तो आपको एक नया बॉडी भी मिल रहा है. नया बॉडी इन द सेंस के बॉडी बहुत रिजुविनेट हो चुका है, बहुत हील हो चुका है. लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, एक नई जिंदगी आपको मिल रही है. तो ये सब आप अपनी लाइफ में विद इन 7 days फील करना शुरू करोगे और आप अपने पीक पर जा रहे हो पायल नंबर थ्री. और ऐसा नहीं है कि पीक पर चले गए तो सडनली डाउनफॉल आएगा, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. बट आप अपनी पीक पर जा रहे हो, दैट आई डेफिनेटली सी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो चुके हो अपने करियर, अपने गोल्स को लेकर. और आप अकेलेपन में भी थ्राइव करना शुरू कर लोगे. आपको अकेलापन लगेगा नहीं, आपको अकेलापन एक अलोन टाइम अच्छा लगेगा, शांति अच्छी लगेगी. एंड यू आर गोना क्रिएट समथिंग वंडरफुल. लाइक थ्री ऑफ व्हील्स, थ्री ऑफ पेनिकल्स शो करता है कि यू गेटिंग सम लीडरशिप पोजिशन, यू बिकमिंग बेटर इन योर क्राफ्ट, यू डूइंग योर वर्क विद सच परफेक्शन जो दूसरा उसमें गलती निकाल ही नहीं सकता. और आपका जो लाइक यू कैन गेट सम लीडरशिप पोजिशन, देयर कैन बी पीपल वर्किंग अंडर यू, यू हैव टू एडवाइज देम, गाइड देम, एंड पीपल वुड वॉन्ट यू टू बी देयर लीडर. और आपका काम करने का तरीका दूसरों को बहुत अच्छा लगता है. आपका पंचुअलिटी या फिर आपका अगेन वे ऑफ वर्किंग इज समथिंग विच पीपल रियली अप्रिशिएट, पीपल रियली लाइक, जिस वजह से आपको अपना मनी भी बहुत अच्छा मिलता है अपने काम का. सो दिस type of things, these type of things are going to start to happen in life. Something more. So we have luck is on your side, new moon in Sagittarius. Sagittarius is 9th house luck and fortune, Bhagyoday ko show karta hai. And we see ki jaise is arrow ko direction de chuka hai ye bow. Aur aap bilkul right direction mein ja rahe ho. Luck aapki side par hai pile number 3. You are lucky. Luck is on your side. Plus Sagittarius represents being a preacher, teacher, advisor, counselor, some sort of consultant. तो इस तरह का काम भी आपको करना पड़ेगा in your life. 7 days from now या within 7 days. Also आपका जो रिलेशनशिप है अपने बॉसेस के साथ या फादर के साथ या अथॉरिटेटिव फिगर, गुरु मेंटोर के साथ, प्रोफेसर के साथ, वो अच्छा हो रहा है. I see this as well. Then we have hold your vision. Fixed moon. So जैसा जैसा आप सोचते हो ना कि ऐसा मेरा करियर होना चाहिए, ये मेरा गोल है, वैसा होगा ज़रूर. तो जस्ट यू नो बी लिल मोर पेशेंट एंड यू विल नोटिस कि जो आपका विजन था वो प्रैक्टिकल रियालिटी में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपके गोल्स थे वो प्रैक्टिकल रियालिटी में कन्वर्ट हो रहा है. सो होल्ड योर विजन. जो आपका विजन है, जो आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा होगा, उसको और विजुअलाइज करो. होल्ड योर विजन. You are going in the right direction. You are on the right path. These are the clear messages from the universe to you.
देन वी हैव सपोर्ट मून साइकिल. जैसे थ्री ऑफ व्हील्स भी ना सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर भी सपोर्ट का कार्ड आ गया है. तो यू विल नोटिस दैट यू सडनली इज गेटिंग सपोर्ट. यू आर गोना गेट सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम योर कोवर्कर्स, फ्रॉम योर क्लासमेट्स, विद अदर फ्रॉम अदर पीपल, फ्रॉम फैमिली यू कैन गेट सपोर्ट, फ्रॉम सिबलिंग्स यू आर गेटिंग सपोर्ट, प्लस आपके जो कोवर्कर्स, अथॉरिटीज, बॉसेज है उनसे भी आपको सपोर्ट मिलेगा. ओवरऑल लाइफ में दूसरों से आपको ज़रूर अब सपोर्ट मिलने वाला है. क्योंकि ना जो सन, जब मतलब कोई सन है ना, सन इन द सेंस कि जो पावरफुल है, जिसका दिख रहा है कि तरक्की ज़रूर करेगा लाइफ में, उसके हर कोई साथ रहना चाहता है. क्योंकि वही है कि जैसे मेरे को एक एग्जांपल यही याद आ रहा है, मैंने कई बार देखा है कि जैसे कोई एम्बुलेंस है, उसमें पेशेंट है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एम्बुलेंस का वो ऐसा उसका सायरन भी बज रहा है एम्बुलेंस का, है ना, और उसके पीछे कई गाड़ियाँ लग जाती है उस एम्बुलेंस के, और वो गाड़ियाँ भी उस एम्बुलेंस के साथ साथ ना निकलती जाती है. आई हैव सीन दिस हैपनिंग वाइल्ड ट्रैवलिंग, स्पेशली माउंटेन्स पर या कहीं पर. आई हैव सीन, आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स कि जैसे कोई तेज़ी से निकल रहा है ना आगे भीड़ वाली जगह से, पीपल आर फॉलोइंग दैट. या फिर जैसे मैंने एक ये भी देखा था, आर्मी के ट्रक्स थे, वो जा रहे थे, उसके उनके पीछे पीछे हो जाओ तो आप भी निकल जाते हो. सो बेसिकली जब हमें दिख रहा है कि कोई तरक्की कर रहा है, दुनिया में ये चीज़ बहुत होती है कि जो कोई तरक्की कर रहा है, जो बहुत जल्दी आगे निकल रहा है, उसका साथ हर कोई देना चाहेगा, उसकी बोट में हर कोई बैठना चाहेगा और उसको मीठी मीठी बातें भी कहेगा, उसको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है. तो पायल नंबर 3, यू आर दैट पर्सन जो दूसरों का भी बहुत फ़ायदा कराने वाला है. इस वजह से यू विल सी सपोर्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी साइड, बिकॉज यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल, यू आर गोना अचीव दैट सक्सेस. पीपल सी, पीपल कैन लिटरली सी दैट यू आर द लीडर, यू आर समवन बिग, यू आर गोना बिकम समवन अथॉरिटेटिव और समवन हु विल होल्ड लॉट ऑफ पावर एंड कैन हेल्प अदर पीपल आउट, सो दे वुड वॉन्ट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू. तो इस वजह से यू विल नोटिस कि पीपल विल सपोर्ट यू अलॉट, यू विल फाइंड सपोर्ट. एंड वी हैव मून कॉल्ड मेंट टू बी, सो यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग. पाइल नंबर 3, जैसे अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट सन, वी वर टॉकिंग अबाउट थ्री ऑफ व्हील्स जो कि परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कार्ड हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है. सो और अगेन आप एक ऐसे पर्सन हो जो सेल्फ मेड पर्सन है. यहाँ पर जैसे ये फाइव ऑफ व्हील्स का कार्ड था, ये शो करता है कि आप बहुत कोई स्टेबल परिवार से, रिच बैकग्राउंड से, वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं हो, आप बहुत एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से हो, हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हो और आप अपनी फैमिली को रैग्स टू रिचेस ले जा सकते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा स्टेटस दिलवा पाओगे सोसाइटी में. एंड यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, यू आर मेंट फॉर अ पावरफुल पोजिशन जो आपको मिलेगी भी. So you are meant for this. Just be more patient. ये बस guidance है आपके लिए. Pile number 3, ये clear guidance है. Last but not the least, we have maturity. Here as well, we see a lot of books. We see some guru from the past life helping you out. सो जैसे मून कार्ड, ये सजिटेरियस कार्ड था, मूनोलॉजी डेक से लक इज़ ऑन योर साइड. तो जैसे सजिटेरियस गुरुज मेंटोर्स का साइन होता है और सजिटेरियस जुपिटर रूल करता है, जुपिटर नॉलेज को, बुक्स को रिप्रेजेंट करता है. सो आई डू सी पाइल नंबर 3 दैट यू गाइज आर बिकमिंग द जुपिटर, यू गाइज आर द प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, सम वाइज पर्सन यू आर बिकमिंग. आप बहुत सारी, आपके पास नॉलेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और इस वजह से आपको ये सीट ऑफ पावर या ये अथॉरिटेटिव फिगर, या आप एक अथॉरिटेटिव फिगर बनते हो. प्लस आप जो ज़रूर आपको गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ गुरुज मेंटोर्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एज वेल. मैच्योरिटी कार्ड ये शो करे यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिबल, यू आर बिकमिंग मोर पेशेंट. आप अपनी उम्र से बहुत बड़े हो, मतलब अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हो. तो ये इसका भी ये इंफॉर्मेशन है, ये भी यहाँ पर ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है.
एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जैसे जुपिटर राहु का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है, या फिर जो जुपिटर है इट इज़ इन द 10th हाउस. वैसे 10th हाउस में डेबिलिटेटेड माना जाता है जुपिटर कैप्रिकॉर्न में, ऑल राइट, बट स्टिल इस तरह का जुपिटर बहुत लकी होता है एक पर्सन के लिए, क्योंकि वो करियर में बहुत अच्छा कर पाता है. खुद एक गुरु, टीचर, प्रीचर, प्रोफेसर, गाइड होता है. अर्ली ऑन वो डिस्टर्बेंस हो सकते हैं उसको अपने गुरुज मेंटोर से, बट लेटर दे बिकम देमसेल्फ अ वेरी गुड गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल. दे बिकम वेरी प्रैक्टिकल विद देयर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. हर कोई थोड़ी ना बोल बच्चन करके, हर कोई थोड़ी ना स्क्रिप्चर्स बोल कर पैसे कमा लेता, ऐसा थोड़ी ना होता है. तो जो जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है वो स्क्रिप्चर्स पढ़कर या कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़कर अमीर नहीं बन सकता, पर जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न या 10th हाउस ऐसे पर्सन को प्रैक्टिकल होना पड़ता है और फिर वो मनी अर्न करता है. उसको अगेन वो फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट, HR या फिर इवन बीइंग अ पायलट, ऐसे टेक्निकल वर्क्स करने पड़ते हैं और उससे उसका इनकम जनरेट होता है. सो बेसिकली पाइल नंबर 3, यू कैन हैव जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न और इन द साइन ऑफ और इन द 10th हाउस, और जुपिटर कैन बी इन वर्गो, तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे. जुपिटर कैन बी इन योर इन द साइन ऑफ टॉरस, तो भाई सिर्फ और सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है, पर और दूसरे जो काम है सोसाइटी में, जो और दूसरे काम है रिलीजन स्पिरिचुअलिटी को छोड़ के, और जो दूसरे काम है वो भी करने पड़ते हैं, तो उनसे आपको जो है इनकम जनरेट होगा. उनसे यू बिकम समथिंग ग्रेट, उनसे उन चीज़ों से यू गेट द मनी. तो जुपिटर राहु का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर टॉरस में हो सकता है, वर्गो में हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न में हो सकता है. जुपिटर सेकंड हाउस 6th हाउस या 10th हाउस में प्लेस्ड होगा आपके चार्ट में. एंड ऑल्सो योर आत्मा कार्य का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन द साइन ऑफ सजिटेरियस और कैन बी जुपिटर इट सेल्फ. जुपिटर कैन बी आत्मा कार्य का द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, द प्लैनेट हु इज नियरेस्ट टू द 30 degrees, वो जुपिटर हो सकता है आपके चार्ट में. या फिर आत्मा कार्य का सेजिटेरियस या पाइसीज में प्लेस्ड हो, इसका यहाँ पर इंडिकेशन है. तो द साइंस विच आई सी विल बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट यानी उनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, आई सी वो टॉरस है, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, एरीज भी. एरीज में अश्विनी भरिणी कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है, रोहिणी मृगशिरा, फिर वी हैव लियो, लियो में माघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, सेजिटेरियस में मूला पूर्व अषाढ़ा उत्तर अषाढ़ा, फिर इन द पाइसी साइन वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके सन मून राइजिंग आत्मा कार्य का या फिर कोई और प्लैनेट्स D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में जरूर प्लेस्ड होंगे. सो यस, दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, I'm wearing the citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.